सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, यू फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे एंड साथ में जो भी चीज़ें आप करोगे आप उस चीज़ को बस ये बताएंगे। जैसे कि मान लो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। वैसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, बट क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेवल इसमें अप करा गया है। सो आप मुझे बताओगे कि आपने क्या स्कोर करा एंड व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने उसमें से समझा, उसको कैसे आपने परसीव करा। सो इन दैट केस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक कैसे इसको अप्रोच करना है, तो इस वीडियो को देखिए, यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट शुड बी द राइट वे टू अप्रोच टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। ओके, सो दिस वाज द रिजल्ट फ्रॉम अबीपीडिया इन द ईयर ऑफ 2022 एंड दिस इज 2024 एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम। उसके लिए वी एंड यू विल पुट सम एफर्ट्स टुगेदर सो दैट वी कैन रीच द लेवल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके। एंड इन दैट केस यू कैन गेट आवर फुल फ्लेज्ड कोर्स जो कि आपको इस पॉइंट पे 50% ऑफ के साथ में मिलेगा, ठीक है। एंड जो भी आपकी क्वेरी है यू कैन आस्क दोस क्वेरीज ऑन द नंबर जो कि आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अब जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ की पॉइंट्स को। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए एंड देयर आफ्टर फिर आप क्या करेंगे, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि दैट आपको पैराग्राफ में ढूंढना क्या है। बिकॉज आप खुद सोचिए ये एक अच्छा खासा लेंथी पैराग्राफ है, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ यू हैव नो आइडिया दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज आप आंसर फाइंड कर लोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसी आंसर को फाइंड करना विद इन अ लिमिटेड टाइम दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको देखो इस पूरे पैराग्राफ में हमारे रेलिवेंट के हिसाब से जो चीजें हैं उनको समझने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के जब पैराग्राफ पढ़ने आओगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे कीवर्ड मिलेगा। सो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन नोट डाउन कीवर्ड्स, कीवर्ड को नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू विल नोट डाउन कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कुछ भी मेन जैसे आपको वहां पे क्वेश्चन पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आदित्य L1 मिशन। तो यहां पे आपको प्राइमरी उसका पर्पस की बात कर रहा है, दैट इज योर कीवर्ड फॉर आदित्य L1 मिशन, कि उसका पर्पस क्या था मेन, ठीक है। जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस मिलेगा वेयर यू विल गेट द आइडिया रिलेटेड टू पर्पस ऑफ L1 आदित्य L1 मिशन। सो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया, फेयर आइडिया रहेगा दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से रीड करके वहां पे उसको या तो अंडरलाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा कीवर्ड वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये छोटी सी अप्रोच है बट काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसको सेम तरीके से अपनी प्रैक्टिस में भी इंप्लीमेंट करेंगे एंड देयर आफ्टर यू विल सी द चेंजेस दैट यू आर, एक तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, क्वेश्चंस को ठीक करने के चांसेस ज्यादा होंगे एंड टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाएगा और वही बचा हुआ टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। चलें फिर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा, मतलब पैराग्राफ को पढ़ूंगा, डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज मिलेगी, उसको मैं वहीं पे अंडरलाइन कर लूंगा, ठीक है। ऑन January 6th इवनिंग, ठीक है, अ स्ट्रीम ऑफ कमांड्स ट्रांसमिटेड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड इसरो वर ट्रांसलेटेड बाय अ कंप्यूटर ऑन बोर्ड
द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इनटू मैन्यूवर्स. मैन्यूवर का मतलब होता है जो काफी ज्यादा इजिली यू कैन से मैनेज कर सकते हो जिसको आप, ठीक है. दैट गाइडेड इट इनटू ऑर्बिट, जिसने कि आदित्य L1 मिशन को गाइड करा, उसके ऑर्बिट में लेके गया अराउंड एन इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस. अब हम स्पेस में क्या डील करते हैं, हम हमेशा इमेजिनरी पॉइंट्स में डील करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. हमने वहाँ पे कुछ अपने जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये भी हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ पे सम सच काइंड ऑफ लाइंस एग्जिस्ट, दे डोंट. बट द थिंग इज दैट फॉर आर कन्वीनियंस वी हैव ड्रॉन सच काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइंस, जो हमें डिस्टेंस को मेजर करने में, लोकेशन डायरेक्शन, ठीक है, उन चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करती है. सो ऐसे ही एक इमेजिनरी पॉइंट था स्पेस में, जहाँ पे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करके भेजना था, राइट. दस आदित्य L1 मिशन, जो L1 रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन अराउंड दी L1 लैग्रेंज पॉइंट. L1 लैग्रेंज पॉइंट एक वही इमेजिनरी पॉइंट है जो कि डिसाइड करा गया था जहाँ पे आदित्य L1 को भेजेंगे, राइट. फ्रॉम वेयर इट विल हैव एन अनफेटर्ड व्यू. अनफेटर्ड मतलब एकदम अनडिस्टर्ब्ड, एकदम क्लियर कट व्यू वहां से मिलेगा. किसका? ऑफ द सन फॉर इट्स अनएक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ 5 years, राइट. आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन. एक ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है जो कि दैट विल स्टडी द सन विद 7 instruments, जो सन को स्टडी करेगा विद 7 instruments. नाउ व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स? दैट इज VELC, जो कि एक क्या है, कोरोनाग्राफ. कोरोनाग्राफ क्या होता है? सन की एक लेयर होती है, ठीक है, एक फोटोस्फेयर होती है सन की लेयर, एक फोटोस्फेयर होती है, एक कोरोना होती है, ठीक है. आप मुझे बताएंगे कि शाइनिंग सरफेस कौन सा होता है, कौन सा इसका जो है आउटर सरफेस होता है या शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है. तो बोलता है कि जो क्रोनोग्राफ है टू स्टडी द अपमोस्ट लेयर, वैसे इसने बताया दिया सबसे बाहर की लेयर को कोरोना बोलते हैं, और जो इसकी चमकीली लेयर होती है दैट इज शाइनिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, राइट. शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड फोटोस्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना, ओके. नाउ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फियर, फिर बोलता है सूट दैट इज एन अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. फिर आता है सोलेक्स एंड HEL-1OS टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस. फिर बोलता है एस्पेक्स दैट इज एस्पेक्स एंड पापा, जो कि है टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा, ठीक है. सोलर विंड और प्लाज्मा को स्टडी करने के लिए एस्पेक्स एंड पापा का यूज किया गया है. बोलता है एंड अ सेट ऑफ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट. जो भी स्पेसक्राफ्ट के अराउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करने के लिए क्या करा गया है, एक डिजिटल मैग्नेटोमीटर वहां पे इंस्टॉल करा गया है जो कि स्टडी करेगा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट. बोलता है इसरो ने क्या करा है, पिक करा है द L1 लैग्रेंज पॉइंट That is 1.5 million kilometer from the Earth, जो Earth से 1.5 million kilometer away है, ठीक है, in the Earth Sun direction, Earth और Sun के direction में, ठीक है. अब देखिए बोलता है one of the 5 Lagrange points in the Earth Sun system, ये उन 5 points में से एक है, ठीक है. वैसे total 5 points हैं Lagrange points, but उनमें से ये एक point है जो कि चूज करा गया है जहां पे आदित्य L1 को भेजा गया है, राइट. कहां पे गया? बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज इंटरैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी हियर विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग टुवार्ड्स ईदर. नाउ व्हाट इज दिस नेट टग? मतलब देखा जाए तो यहां पे नेट फोर्स जो होगा बड़ा मिनिमम सा होगा, जिसकी वजह से आदित्य L1 पे कोई ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा. अदरवाइज क्या होता कि जैसे मान लो सन का अगर ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है उस पॉइंट पे, तो वो अपनी तरफ उसको खींचेगा, राइट, जिसकी वजह से फिर वो मिशन जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे इन दोनों का नेट फोर्स बिल्कुल मिनिमम हो जाता है एंड वहाँ पे हमारा ये आदित्य L1 प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है.
सो आदित्य L1 कैन स्टे एट L1 व्हाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल. बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल खर्च करके यहां पे इस पॉइंट पे आर आदित्य L1 कैन सर्वाइव राइट. इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो वंस इट्स थ्रस्टर्स emissions drift away. ठीक है. As such, Aditya L1 supplements India's storied history of observing the sun. Right? फिर बोलता है, dating back to the Kodaikanal Solar Observatory, which commenced का मतलब होता है to begin. Right? लिख देता हूं यहां पे. Commence का मतलब होता है to begin. Right? Which commenced operations in 1901 by lofting it into space. It also follows the Exposat mission, जो कि launch हुआ था January में, January 1st, to become only the world's second X-ray polarimetry satellite, and 8 years after Astrosat, which reached several highs of its own. ठीक है. An important issue with such achievements is public perception. ऐसे missions के साथ में बोलता है काफी बड़ा issue है और काफी important issue है, that is public perception. लोगों को लगता है कि why such missions are important to any country, कि ऐसे missions से हमें benefit क्या मिलेगा, right? So ये एक लोगों की perception है, and इसका reason सिर्फ lack of education, lack of awareness, lack of knowledge है, right? चलें फिर आगे. फॉर एग्जाम्पल बोलता है, वाइल आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट आर बिग स्ट्राइड्स फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. L1 जो और एस्ट्रोसैट है वो इंडिया की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़े मिशंस थे या हैं. दे पेल इन कंपेरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज इमेजिंग. ठीक है. बोलता है कि पेल का मतलब थोड़ा फीका पड़ जाना, राइट. सो दे पेल इन कंपैरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है. आपको पता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, दैट इज वेरी बिग टेलीस्कोप, एंड जिससे कि हम लोग काफी दूर दूर तक सैटेलाइट्स को या प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं, राइट. तो उसके हिसाब से इसकी जो इमेजिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम है. विच इज ऑपरेटेड बाय 3, कौन सा, ये जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये 3 एजेंसीज इनको ऑपरेट करती हैं. येट मैनी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द इंडियन स्पेसक्राफ्ट टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ द कॉस्मोस एंड आर डिल्यूजन्ड व्हेन इट डज नॉट. अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आदित्य L1 जो है ये काफी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक करेगा, ठीक है, और भेजेगा वापिस. ठीक है. बट होगा क्या, लोग इस डिल्यूजन में है और जब ये चीज नहीं होगी तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बुरा मानेंगे, राइट. उसी चीज की यहां पे बात करी जा रही है. दिस इज नॉट फियर. सेटिंग असाइड द फैक्ट दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स, कि बोलता है ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इमेजेस को क्लिक करने के लिए या फिर इमेजर्स नहीं होते, राइट. इसरो कैन डू मोर, इसरो इससे ज्यादा कर सकता है, ठीक है, थ्रू बाय एक्सपेंडिंग इट्स ओन and its collaborating institutes, public outreach efforts such as by hosting open days focused on specific missions and commissioning science communication on new results at regular intervals. अब बोल रहा है कि जो इसरो है ये कुछ नई चीजें स्टार्ट कर सकता है खुद से या फिर अपने इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेट करके लोगों को अवेयर करने के लिए. जैसे कोई मिशन लॉन्च करा उसके बाद में एक जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर कहीं पे इंस्टीट्यूट्स में जाके उनकी हेल्प लेके, ठीक है, तो लोगों को उनके बारे में बताया जा सकता है. ये चीज इसरो को स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है. एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अ न्यू हाई, बट एस्पेशली द पीपल एट लार्ज. सो इसरो शुड ऑल्सो कंसिडर इंक्लूडिंग कॉम्पोनेंट्स ऑन मिशन दैट फीड पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है. बोलता है कि इसरो को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों के इंटरेस्ट का भी, उनको भी उस चीज के बारे में या उस चीज के मतलब उसमें इंडल्ज करना चाहिए उनको, सो दैट दे कैन ऑल्सो सेलिब्रेट इन द सेम वे एज साइंटिस्ट सेलिब्रेट, राइट. तो उस चीज की यहां पे बात करी गई है.
ऑल दीज एफर्ट्स विल रिक्वायर फंड्स बट कंसिडरिंग द लव इसरो हैज बीन गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लेट इट मे जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग. ठीक है, सो इट कैन जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट इसरो इज गेटिंग एज ऑफ नाउ इज वेरी ट्रिमेंडस. सो इफ इट इसरो विल डिमांड दैट इट नीड्स सम फंड राइट सो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली हेल्प और फुलफिल द काइंड ऑफ डिमांड दैट इसरो विल आस्क फॉर राइट. सो इस चीज की यहाँ पे बात करी गई है. अब आता है क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के उसके फटाफट से एक ऑप्शंस को देख लिए एक बार एंड देयर आफ्टर वहाँ से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे. और अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चंस को आपने कीवर्ड्स को नोट करा डेफिनेटली आपको आंसर साथ में मिलते चलेंगे. ठीक है, अब आप खुद बताइए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आदित्य L1 मिशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज. क्या कंडक्ट करना है कि डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द अर्थ सर्फेस या फिर टू स्टडी द सन यूजिंग 7 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग अ कोरोनोग्राफ एंड एन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. नाउ टेल मी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप तो यहाँ पे कोई बात करी नहीं गई थी. इवन बोला गया था कि जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है इसके पास में काफी यू कैन से इट्स पेल इन फ्रंट ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप राइट. उसके सामने ही फीका है. सो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इमेजिंग के लिए इसको यूज करा गया है. सो दिस ऑप्शन हैज बीन एलिमिनेटेड. एक मिनट जस्ट रुको एक बार चेक कर लेते हैं. पहले तो टू कंडक्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वे तो नहीं, ऑप्शन है एलिमिनेट क्योंकि ये भेजा गया है सन के लिए. ठीक है, ना कि जियोलॉजी के लिए और स्पेशली वो भी अर्थ की. ठीक है, फिर बोलता है टू स्टडी सन यूजिंग 7 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ ये तो सही है, वैसे 7 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें इंक्लूड करके सन की स्टडी के लिए भेजा गया है और डेफिनेटली साथ में बोलता है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है. देखो बोलता है यहाँ पे लिखा था कहीं पे, ये देखो जो मिशन है ये आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन दैट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, और उसमें से एक क्या है एन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी इसमें इंक्लूडेड है. सो यहाँ से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन टू यहाँ से सही आंसर हो जाएगा. बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं वैसे. ठीक है, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. नहीं, गलत. टू मैप द ग्रेविटेशनल फोर्सेस विद इन द मिल्की वे. बिल्कुल गलत. तो ऑप्शन बी ही हमारा यहां पे सही आंसर होगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द L1 लैग्रेंज पॉइंट चोजन एज द डेस्टिनेशन फॉर द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट. बोलता है लैग्रेंज पॉइंट ही क्यों चुना गया एज अ डेस्टिनेशन ऑफ आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट. क्या ये क्लोजेस्ट पॉइंट है इन स्पेस टू द अर्थ अलाउइंग फॉर इजी कम्युनिकेशन या फिर इट ऑफर्स अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन एंड अ स्पेसक्राफ्ट देयर एक्सपीरियंस इज मिनिमल ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ एंड सन. ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज द ओनली पॉइंट इन स्पेस वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टडीड इफेक्टिवली या फिर इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. बताइए, आप खुद से सोचो ना, तो ये इकलौता पॉइंट है एलिमिनेट और ये कोई लोकेशन या फिर ऐसा नहीं है कि कोई अदर प्लैनेट्स के बारे में, ये तो सिर्फ हमारा सन के रिलेटेड. ठीक है, इसको यूज किया गया है, ये सन को स्टडी करेगा. ठीक है, और दैट इज वाई इसका नाम आदित्य. अगर देखा जाए तो आदित्य जो है वो हिंदी में सन का ही एक सिनोनिम है. ठीक है, दैट इज वाई. तो आपने देखा था ना, उसने बोला था अनफेदर्ड. एक मिनट, हाँ अनफेटर्ड. देखा, ये लिखा है ना अनफेटर्ड. अनफेटर्ड मतलब अनइंटरप्टेड यहां से व्यू मिलेगा किसका, सन का, इस पॉइंट से. ठीक है,
सो इट ऑफर्स अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन एंड स्पेसक्राफ्ट देयर एक्सपीरियंसेस. मैंने आपको बताया था जो नेट टग लिखा था ना, यहाँ पे नेट टग बिल्कुल मिनिमल सा होगा, मतलब नेट टग ऑफ ग्रेविटेशनल पुल विल बी मिनिमल. इज दैट क्लियर? बात समझ आई क्या? सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स अ कंपैरिजन बिटवीन इंडियाज आदित्य L1 मिशन एंड द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एज डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट? बताइए. आदित्य L1 एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैव सिमिलर इमेजिंग कैपेबिलिटी. बिल्कुल गलत. हमने पढ़ा था कि आदित्य L1 की जो इमेज या इमेजिंग कैपेबिलिटी है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से काफ़ी ज़्यादा कम है. इसलिए ऐसा ना हो कि लोग इसको माने कि ये अच्छी अच्छी हाई रेजोल्यूशन फोटोज क्लिक करके भेजेगा, ठीक है, और जो बाद में गलत प्रूव हो जाए. ठीक है. व्हाइल बोथ आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट आर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स फॉर इंडिया, दे डू नॉट मैच द इमेजिंग एबिलिटी ऑफ द जेम्स वेब टेलीस्कोप विच इज ऑपरेटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ 3 स्पेस एजेंसीज. जेम्स वेब टेलीस्कोप को 3 एजेंसीज जो हैं वो इसको ऑपरेट करती हैं. ठीक है. आदित्य L1 सरपासिस द जेम्स वेब टेलीस्कोप. बिल्कुल गलत. अरे सरपास कहां करेगा वो, पीछे हमने पढ़ा कि उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जेम्स वेब प्रिंसिप जेम्स वेब टेलीस्कोप. ठीक है. फिर बोलता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड 2 अदर स्पेस एजेंसीज मेकिंग इट कंपेरेबल टू आदित्य L1 इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैपेबिलिटीज. ये भी गलत है क्योंकि हमें कहीं नहीं उसने लिखा कि ये इसरो या फिर और 3 या फिर और 2 कंट्रीज का यहाँ पे कोऑपरेशन की हेल्प से यहाँ पे वेब को या फिर यू कैन से जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है. ठीक है. इसरो का नाम कहीं पे भी नहीं था वहाँ पे. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो देखा जाए तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनेगा बिकॉज ऑप्शन बी में बोला गया है कि जो आदित्य L1 मिशन है और एक एस्ट्रोसैट करके इंडिया का एक मिशन था जो कि कैपेबिलिटीज इमेजिंग कैपेबिलिटीज की बात करी जाए तो उसके कंपैरिजन में इट वाज वेरी 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 यू कैन से मिनिमल, राइट? जेम्स वेब प्रिंसिप के सॉरी जेम्स वेब टेलीस्कोप के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाट इज सजेस्टेड. देखो हमने इतने अच्छे से रीड करा एक बार में पैराग्राफ को, चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होंगी. आपको अगर थोड़ा बहुत किसी को डाउट आता है तो प्लीज यू कैन पॉज वीडियो एंड यू कैन गो बैक रीड दोज दैट पार्ट जो भी उसका था. ठीक है. अदरवाइज PDF आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सो आप एक बार फिर से उसको देख सकते हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को, और वहां से आंसर्स को निकाल के देन यू कैन कन्फर्म कि वही आंसर है या नहीं. मतलब व्हाट इज सजेस्टेड इन द पैसेज एज अ वे फॉर इसरो टू एनहांस पब्लिक परसेप्शन एंड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स स्पेस मिशन. बोलते क्या ऐसा तरीका है जिससे कि एनहांस किया जा सकता है पब्लिक परसेप्शन को और उनके एप्रिसिएशन को टुवार्ड्स स्पेस मिशंस. लिमिटिंग द पब्लिक एक्सपेक्टेशंस. अरे लिमिट थोड़ी करके होगा. आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करके उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको अप्रिशिएट करें? नहीं, नेवर. फोकसिंग सोलली ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इग्नोरिंग द नीड फॉर पब्लिक. ये भी गलत. एक्सपेंडिंग पब्लिक आउटरीच. यस, ये हमने पढ़ा था कि पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स होने चाहिए. इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलके इसरो को कुछ प्रोग्राम्स या कैंपेन्स चलाने चाहिए जहाँ पे उनको लोगों को अवेयर करा जाए जो भी उनके मिशंस हुए हैं या जो भी होने वाले हैं. लिखे ना, सच एज होस्टिंग ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस एंड रेगुलरली कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स. सो यस, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. लास्ट ऑप्शन पढ़ लो आप फॉर्मेलिटी के लिए. दैट इन्वेस्टिंग ओनली इन मिशंस दैट गारंटी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी. गलत. ठीक है. सिर्फ मिशन में इन्वेस्ट करके कैसे आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे विल अप्रिशिएट यू? ओके, सो इन दैट केस यू विल बी रॉन्ग. ठीक है. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है.
लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग इसरोज रीसेंट अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बताइए। देखो टोन की बात करी जाए तो थीम, टाइटल, टोन, जो थीम होती है दैट इज यू कैन से नॉट क्लियर, टाइटल जो होता है दैट इज क्लियर, और टोन आपको पढ़ के ही समझ आएगी कि टोन किस टाइप की है, क्या ऑप्टिमिस्टिक है, क्या पैसिमिस्टिक है, और ऑप्शंस को देख के आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो। इनडिफरेंट एंड डिटैच, नहीं, इनडिफरेंट तो नहीं थी, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब जहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। यहां पे लिखा है न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव, न्यूट्रल तो नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे तो यहां पे बात करी गई है एप्रिसिएशन की, बात करी गई है मिशंस को कैसे लोगों में भी उसके रिलेटेड वो चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए उनको अवेयर किया जा सकता है, सो दैट दे अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट इसरो इज पुटिंग, राइट। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव, राइट, ये क्रिटिकल, तो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए देखा जाए तो, राइट, एंड ऑप्टिमिस्टिक सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। सो आराम से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को, टोन को पकड़ सकते हो। थीम को समझने के लिए, थीम इज समथिंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, This is what writer wants to convey, ठीक है। टाइटल आपको वहां से पढ़ के आइडिया लग जाएगा, जैसे यहाँ पे आदित्य एल्वन मिशन के बारे में था, तो टाइटल इसका आदित्य एल्वन मिशन, या फिर ऑप्शन से आप देख के कंपेयर करके वहां से सूटेबल टाइटल चूज कर सकते हो। थीम के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा पैराग्राफ और क्या बोलना चाहता है राइटर, उसको समझना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है वो नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या राइटर बताना चाहता है दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द थीम, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कैसे यहाँ पे हमने अप्रोच की, कैसे हमने पहले रीड करा अच्छे से। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, वहां से कुछ कीवर्ड्स को नोट डाउन करके ही आपको फर्दर रीडिंग करनी है कॉम्प्रिहेंशन की। अदरवाइज अगर आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है तीन बार भी पढ़ना पड़ जाए, ओके। और याद रखिएगा थीम और टाइटल और थीम और स्पेशली टोन के लिए आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप थीम और टोन निकाल सकते हो। टाइटल आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी गैस मार सकते हो, बट थीम एंड टोन इसके लिए यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन थोरोली एंड विद वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू मार्क योर आंसर राइट इन वेज और इन टर्म्स ऑफ थीम एंड टोन, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं आइडिया लगेगा, आप क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, ओके। सो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।